और यहाँ पर मेरे सारे बर्तन माशाल्लाह वॉश हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आप लोगों से इवनिंग टूर नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी। बहुत मिर्ची वाली है, बहुत तेज मिर्च वाली। मैं बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, ट्यूशन मैं खुद ही देती हूँ घर में, क्योंकि बच्चों को पिक करने जाओ ड्रॉप करने जाओ तो इससे बेहतर इंसान खुद ही पढ़ा ले घर पर, क्योंकि आने जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट करीब से करीब भी लगाएंगे तो आपको लगेगा, तो इससे बेहतर है काम छोड़ छोड़ कर मुझे जाना पड़ेगा, इससे बेहतर है मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ अपने। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, और साथ में जैसे ही बच्चों के साथ कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम होती है ना कि जैसे ही ट्यूशन या बैग को हाथ लगाते हैं उन्हें भूख लग जाती है, तो बस मैं साथ में फिर उनको कुछ ना कुछ दे देती हूँ ताकि वो फिर पढ़ाई से नहीं भागेंगे, थोड़ा बहुत खा कर फिर पढ़ने लगते हैं। वरना तो अगर आप नहीं देंगे ना तो सारा टाइम तंग ही करते रहेंगे कि मम्मा भूख लग रही है। फ्रेश पालक तो आज तक मैंने इतनी साफ़ सुथरी और बगैर पानी के तो देखी नहीं, इतनी फ्रेश होती है। अच्छा, ये हमारी सामने वाली आंटी है ना, वो कहीं पर गई हुई थी तो ये खेत से लेकर आई हैं और बिल्कुल फ्रेश थे। बैंगन इतने चुन्ने मुन्ने से बैंगन है यहाँ पर, छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने से बैंगन है, और ये जो फलियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये फलियां बहुत बड़ी हैं ना, हाँ ये इतनी बड़ी हैं कि इसमें से हम खोलेंगे ना तो ये देखें इसमें ना बीट्स हैं। मम्मा डाल लूं मैं? ये भी पूरे फ्रेश हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा इसको ऐसे ही कट करके बनाना है ये खोल के बनाना है मटर की तरह, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बड़ी तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। और यहाँ पर मैं बच्चों को गुस्से में डांट रही थी, आंखें दिखा रही थी, मैं निकाल के भी रख लूंगी ना तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी इस बात से। तो पहले की अम्मियाँ जब आंखें दिखाती थी ना तो बच्चे सहम जाते थे, चाहे वो दूसरी बात है कि दूसरों के घर पे नहीं सुनते हों और निमको वगैरह खाने में लगे रहते हों। जब हम गेस्ट बन के जाते थे तो कोई भी अम्मियों को देखता ही नहीं था कि अम्मियाँ डांटेंगी और फिर हमें वापस हटना पड़े। अच्छा, मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तो साथ में बच्चे लगे रहते हैं, ये नहीं कि बस जाएं कि मम्मा वीडियो बना रही हैं बोर होके एक साइड में बैठ जाएं अपना काम करें, नहीं। अच्छा, ये ऑरेंजेस भी भेजे थे तो मैं ये मैंने रखे नहीं थे, तो लाकर दोनों ने हाशिर और इर्तिजा ने यहाँ पर सजा दिए कि मम्मा ये भी तो दिखाएं, ये भी तो आंटी ने भेजे हैं। मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल हालात किस तरह के चल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं ना मांगने वाले इतने खड़े हुए होते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सही लेने वाला है या कौन ज़रूरतमंद है, किसी का पता ही नहीं चलता। अच्छा, बेस्ट चीज़ ये है कि आप पैसे नहीं दें उनको कोई भी चीज़, जैसे आप वेजिटेबल्स ख़रीद रहे हैं तो साथ में किसी को अगर कोई मांगने आया तो सब्ज़ी दे दें, तो इस चीज़ से पता चल जाएगा कि कौन मांगने वाला है कौन नहीं मांगने वाला। अगर आप राशन ख़रीद रहे हैं तो राशन दे दें, कोई भी चीनी दिलवा दी अपने राशन के साथ किसी को तो ये ज़रूरतमंद की एक ज़रूरत पूरी हो जाती है इस तरह से, या उनसे पूछ लें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ खड़े होकर आप दिला दिया करें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये हमारी हुकूमत है ना, ये इन्होंने किए हैं, ये सब इन लोगों ने खा पी के सब खा के बैठ गए हैं, और अवाम बेचारी इतनी कोई पागल हुई हुई है, बेचारी इतनी परेशान हुई हुई है कि हद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि हम लोग खा पी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ले आएंगे जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, हम ले आते हैं खाते हैं पीते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचें जो बेचारे डेली वेजिस पे काम करते हैं और ज़रूरत से कम कमा रहे हैं बेचारे अपना, क्योंकि महंगाई इतनी है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, दो वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि खाना पीना हर चीज़ है ना, कि आटा चीनी चावल ये चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ये भी पूरी नहीं कर पाएंगे ये तो बताएं ये हैं किस लिए। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं होंगी, और हम माशाल्लाह पैसा लेके खड़े होकर भी लेना चाह रहे हैं तो हमें वो चीज़ें नहीं अवेलेबल हो रही तो इंसान कहाँ जाएगा ये बताएँ। और इसके अलावा हमें कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं हो, आपने गोल्ड महंगा किया कर लें, जितना करना है आप कर लें, आपको महंगा करना है डायमंड महंगा करना है आप कर लें, सोना चांदी महंगा करना है कर लें, कभी भी गरीब खड़ा होके ये नहीं कहेगा कि आपने ये क्यों महंगा किया,
गरीब जब ही खड़ा होगा जब उसकी रिक्वायरमेंट जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी है वो कंप्लीट नहीं होंगी, वो पूरी नहीं हो सकेंगी पैसा देकर भी, तो फिर इंसान क्या करेगा ये बताएं। तो हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखना चाहिए, जो बेचारे ले नहीं सकते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, प्लीज़ अल्लाह के लिए कर दें, ये मत सोचा करें कि ये इस काबिल है या नहीं, अल्लाह के लिए कर दिया करें क्योंकि इसका हिसाब अल्लाह ताला लेगा, हम बंदों का काम नहीं है उस इंसान से ये काम लेना कि आपको आप ठीक ठाक हैं, हो सकता है उसकी जॉब नहीं लग रही हो, क्या मसला है क्या नहीं हम नहीं जानते किसी के बारे में भी ना, तो आप अल्लाह के लिए कर दिया करें, इसका अजर अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला आपको दे। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ भी कीजिए और उनकी हेल्प भी करें क्योंकि ख़ुद पता चल जाता है कि प्रोफेशनली मांगने वाले कौन हैं और जिसको बिचारे ज़रूरतमंद कौन है इंसान, इतना तो हम लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है ना, पता चल जाता है, और क्योंकि ऐसे ही टाइम पे देखा जाता है और कयामत वाले दिन अल्लाह ताला ख़ुद फरमाएंगे कि जब किसी से हिसाब किताब लिया जा रहा होगा ना, तो मफहूम बयान कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया नहीं, तो बंदा बोलेगा अल्लाह पाक आप कैसे भूखे हो सकते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो बंदा जो भूखा था वो मैं था, क्यों मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि भूखों को खाना खिलाओ, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो, अगर मैंने इतना नवाजा है तो। तो इससे पता चलता है कि आप अल्लाह के मखलूक की खिदमत करें, यानी कि जो इंसान है ना आपके इर्द गिर्द उनकी हेल्प करें जितना हो सके, ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ी चीज़ों पे इन्वेस्ट करके दूसरों के पास लेके जाएं और उनकी हेल्प करें, नहीं। अगर आप राशन ख़रीद रहे हैं तो 1 किलो या आधा किलो जो भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप किसी को भी दिला दें जो साथ में खड़ा हुआ मांग रहा है ना। तो सूरह यासीन में भी अल्लाह पाक इसी तरह फरमाते हैं, आयत नंबर 46 में तर्जुमे का मफहूम बयान कर रही हूँ, और जब इनसे फरमाया जाएगा कि अल्लाह के दिए में से कुछ इसकी राह में खर्च करो, तो काफिर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि हम उसे खिलाएँ जिसे अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, मतलब क्या है वो अल्लाह की राह क्या, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना, किसी के काम आना। तो जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहा है तो प्लीज़ इस पर थोड़ा बहुत अमल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे पता चल रहा होता है, मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ कि कितने लोग मांगने वाले हैं, हो सकता है आपको अल्लाह ना करे किसी की नज़र लग जाए। तो अल्लाह ताला से तो कोई भी वादा लेकर नहीं आया ना कि जितना स्टेबल आज आप हैं कल भी इतने ही रहेंगे, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बुरा वक्त किसी पर भी कभी भी आ सकता है, सब आजमाइश का वक्त है, ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है ना ये ज़िंदगी का, इसी में ही कुछ कर लें प्लीज़, वरना तो कब्रों में सालों से पड़े हुए हैं और उनकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ ना काफ़ी चीज़ें, तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज है कि हमें अल्लाह पाक एक दफ़ा और दुनिया में भेज दे तो हम ये नेकी कर लें। तो हमारे पास अभी टाइम है, अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, तो नेकियाँ इकट्ठी कर लें, और सबसे प्यारी नेकी वही है जो किसी के इंसानियत के काम आए ना, ये मत देखें ये हिंदू है मुस्लिम है कौन है, नहीं, ज़रूरतमंद है ना सामने, अल्लाह की मखलूक है ना, आप उसकी हेल्प करें। ये वीडियो और थोड़ा सा मैसेज पसंद आया होगा, वैसे बहुत कम लोग वैसे होंगे जो यहाँ तक पहुँचे होंगे ना, वरना तो सब मैसेज सुन के ही स्टार्टिंग में ही भाग लेते हैं क्योंकि उनके मतलब का नहीं होता ना। आजकल लोग इतनी अपनी ज़िंदगी में गुम हुए हुए हैं कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ वगैरह भी दिखा रही थी कि रोटियाँ मेरी वीडियो बनाते बनाते कितनी जल गई हैं, कितनी ख़राब हो गई हैं, और यहाँ पर मैं अपनी वेजिटेबल्स बना रही हूँ, थोड़ी सी मैंने मिर्च फ्राई की थी और इसी में रहने दूंगी ना मैं, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसलिए मैं अब ये लास्ट में ऊपर से डालूंगी। और वेजिटेबल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसिक्स मसाले लिए हैं अपने, जितने भी मुझे ज़रूरत है बस, आप ज़्यादातर लोग नॉन स्टिक में बनाते हैं आजकल, लेकिन मुझे बनाना इतना कोई पसंद नहीं है, नॉन स्टिक देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन इसमें टेस्ट इतना अच्छा आता नहीं है, स्पेशली चाय तो मैं बिल्कुल बनाती ही नहीं हूँ नॉन स्टिक का, मेरे पास पैन भी है चाय का लेकिन मैं उसमें कभी भी नहीं बनाती, ऐसी अजीब सी चाय बनती है, एक तो ब्लैक बनती है जितना भी अच्छा बना लें आप, लेकिन उसका वो फ्लेवर वो टेस्ट आता ही नहीं है, और स्टील में भी इतनी अच्छी चाय नहीं बनती, सिल्वर स्टील मिक्स होता है ना पैन उसमें बहुत अच्छी चाय बनती है, और
उसका मिट्टी का बर्तन तो सभी को पता है उसमें चाय कितनी टेस्टफुल बनकर रेडी होती है ना। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरी वीडियो को देखा है उन्होंने, तो वो समझ गए होंगे इस बात को। और कोई बात भी अगर इस वीडियो में बुरी लगी हो, आप लोगों को सिर्फ समझाना था, आप लोगों को बताना था। और वैसे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह समझदार हैं, वो पहले से ही ये काम कर रहे होते हैं, हमें अब अकल आई है तो हम अब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही कर रहे होते हैं ना। और यहाँ पर हमारा खाना डन हो गया है, माशाल्लाह बन गया है। और इसका कलर देखें कितना चेंज हो जाता है जब इतना फ्रेश फ्रेश हो रही होती है वेजिटेबल्स, इतनी कैसे ही खा लो। लेकिन ऐसे कोई भी नहीं खा सकता ऐसी चीज़ों को, थोड़ा बहुत तो पका हुआ होना चाहिए ना। पालक बनाई थी, पालक में मैंने थोड़े से आलू भी डाले थे बच्चों के लिए, और हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चिकन ऐड कर दी थी मैंने, ताकि उनके मुंह में भी उनको भी सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी लग जाए। और यहाँ बनाने से पहले क्या हाल है, और हम जब बनाने लगते हैं तो हम भून भून के क्या वेजिटेबल्स का, फ्रेश वेजिटेबल्स का क्या हाल कर देते हैं। और मज़ा भी इसी में ही आता है, थोड़े से किनारों से जब तक जलता नहीं है ना वेजिटेबल्स, तो मुझे मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिया, हमारी नाइट रूटीन माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। और ये हाशिर के फ्रूट्स हैं जो दिन भर उन्होंने छोड़ते गए, जमा करती गई हूँ मैं एक प्याली में, अब रात में देखते हैं कौन खाता है, वरना तो ये फ्रिज में ही रख दूँगी, सुबह मांगेंगे तो इनको सैलेड बनाकर दे दूँगी। और होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।